बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गोमाता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। व्यवहार में दम है, आवाज जोरदार है। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के दमदार मंत्री, जलशक्ति के माध्यम से पूरे भारत को जो पानी पिला रहे हैं, ऐसे भाई गजेंद्र शेखावत जी, विजयाताई रहाटकर, राजेंद्र गहलोत जी, शंकर सिंह रावत जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप जी को नमन करने के लिए आया हूं। और महाराणा प्रताप जी की धरती पर अलख जगाने के लिए भी आया हूं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जिन्होंने अपने संघर्ष के भरोसे हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जीवित रखा। ऐसे हमारे महामनाओ की धरती है। लेकिन आज अलग जगाने इसलिए आया हूं कि जब मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ये जो इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, इसके एक नेता स्टालिन वो वहां चेन्नई में बोलते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ये मलेरिया डेंगू और ये कोविड जैसा है, और जैसे मलेरिया डेंगू और कोविड को खत्म कर देना चाहिए, वैसे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे, जो कर्नाटक का मंत्री है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मलेरिया और डेंगू जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अरे जिस धर्म को और जिस संस्कृति को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया, आज उस सनातन को समाप्त करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है, तो मैं राजस्थान वालों को पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी पार्टी को आप सत्ता पर रखोगे? अरे जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो श्याम का नहीं वो किसी का नहीं। और अगर यहां पर इनके मनसूबे ये सनातन को मिटाने के हैं, तो आज कसम खाइए कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीति से मिटाकर ही अब हम दम लेंगे। सनातन की ताकत क्या है, सनातन का दम क्या है, ये एक बार हम कांग्रेसियों को दिखाएंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर मोदी जी ने एक नए भारत का निर्माण किया है, एक ऐसा भारत जो गरीबों के लिए खड़ा होता है। अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है, न कोई आगा है न पीछा है, फकीर आदमी है, झोली लेकर निकला है, झोली लेकर ही वापिस जाएगा। एक ही चीज उनके मन में है, मेरा भारत, मेरे भारत के 140 करोड़ लोग, मेरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, जिसके जीवन का क्षण और क्षण और जिसके खून का कण और कण समर्पित है, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। और पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने इस भारत में परिवर्तन करके दिखाया।
14 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया, गरीबों को मकान दिए, गरीबों को पानी दिया, गरीबों को गैस दिया, गरीबों को रोजगार दिया। मोदी जी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया। ये क्यों कर पाए मोदी जी? क्योंकि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बात कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और 9 साल में मोदी जी ने व्यवस्था को बदल दिया। और एक जमाने में राजीव गांधी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी ने कहा, मेरे राज में नहीं चलेगा, 1 रुपया भेजूंगा तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक पूरा 1 रुपया पहुंचेगा। और देखिए क्या आश्चर्य मोदी जी ने कर दिया। अरे दिल्ली से मोदी जी बटन दबाते हैं और किसानों के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, महिलाओं के खातों में पैसा आता है। मोदी जी बटन दबाते हैं, मजदूरों के खातों में पैसा आता है। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक पैसा आपका लूट नहीं सकता। ये मोदी जी ने करके दिखाया और देश का पैसा बचा तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, 5वीं सबसे बड़ी। और जब अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो उसमें रोजगार निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, सड़कें बनती है, रेलवे बनती है, पुलिया बनता है, पीने का पानी मिलता है, घर मिलते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। अब हम 5वें नंबर पर हैं और अब की बार मोदी जी को वोट दोगे तो भारत 3रे नंबर पे पहुंचेगा, 3रे नंबर पे। एक और, मोदी जी भारत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शेखावत जी ने जल शक्ति मंत्री के रूप में हमारे राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया दिया। 30,000 करोड़ किस लिए दिया? मोदी जी ने कहा, शेखावत जी राजस्थान के हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, 30,000 करोड़ दे दिया। मैं गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, बताओ गहलोत जी हमारे 30,000 करोड़ रुपया कहाँ है? अरे गहलोत जी की सरकार 30,000 करोड़ खा गई और डकार तक देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की भ्रष्ट सरकार इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। और इसलिए दोस्तों ये जो परिवर्तन यात्रा ये किस लिए है? ये परिवर्तन यात्रा केवल सत्ता के परिवर्तन की यात्रा नहीं है। शेखावत जी परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं, कोई सरकार बनाने के लिए नहीं। ये परिवर्तन करना है आपके जीवन में, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, किसान के जीवन में परिवर्तन, हमें परिवर्तन करना है महिलाओं के जीवन में, हमारे युवाओं के जीवन में हमें परिवर्तन करना है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकली है, क्योंकि हम देखते हैं जो सरकार मोदी जी के साथ चलती है वहां के लोगों में परिवर्तन आता है, वहां की गरीबी दूर होती है, वहां पर विकास होता है। और जो सरकारें मोदी जी का विरोध करती है वो केवल भ्रष्टाचार करती है। और इसलिए इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान में परिवर्तन करना है और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लानी है। आप विचार कीजिए, अगर मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार नहीं रही तो मोदी जी का इंजन हमको ऊपर ले जाएगा और गहलोत का इंजन हमको नीचे खींचेगा। ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, जहां के वहां रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, सामने मोदी जी का इंजन होगा, पीछे बीजेपी के मुख्यमंत्री का इंजन होगा, जिस दिशा में मोदी जी जाएंगे उसी दिशा में पीछे का इंजन चलेगा, तो डबल इंजन के साथ राजस्थान विकास की ओर जाएगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं, ये जो अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी गहलोत जी की सरकार है, अब इसके दिन भर गए। अब इस सरकार को परिवर्तन करना है, इस सरकार को घर पर भेजना है,
ये भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह दिखाना है। और इस राजस्थान के अंदर हमारे मोदी जी के साथ चलने वाली, मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। बोलिए आप लाएंगे, बोलिए मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लाएंगे, बोलिए सरकार बदलेंगे, बोलिए भाजपा को जिताएंगे, बोलिए नई सरकार लाएंगे, बोलिए मोदी जी के साथ चलेंगे। तो फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी भींच कर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।